ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको महाशिवरात्रि का एक साधारण सा उपाय बताऊंगा। वैसे तो उपायन की मैं दो वीडियो डाल चुका हूं, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं, आप उनको जा करके जरूर करें। पुत्र धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी आपकी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साधारण सा उपाय बताऊंगा और यह उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, और इस उपाय के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुछ सामान आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है और एक धागा आपको भगवान शिव के हाथ में मनोकामना बोल करके बांधना है। 11 मार्च की जो शिवरात्रि है, बड़ी शिवरात्रि है क्योंकि इस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है। तो पुत्र धन नौकरी जो भी मनोकामना बोल करके आप उपाय करेंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो शिवरात्रि वाले दिन ध्यान रखें, शिवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप अपने पूजा का पूरा सामान ले लें और सामान के साथ में आपको एक गिलास में थोड़ा सा भांग बनानी है अपने हाथ से, और शुद्ध आपको जो है गाय के दूध में, अगर गाय का दूध मिल जाता है तो शुद्ध गाय के दूध में थोड़ी सी भांग आपको बनानी है। बाकी बेलपत्र, फल, फूल माला, पान के पत्ते, सारी चीज़ें आप ले लें और आपको थोड़ी सी भांग बनानी है। साथ में आपको मोली का सूती धागा लेना है। अब आप भगवान शिव जी के सामने जाएंगे। शिव जी के सामने जाकर के आप अपनी मनोकामना बोल करके और भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी का अभिषेक करना है पंचामृत से। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भगवान शिव का ध्यान आप अभिषेक करेंगे तो सबसे पहले भगवान गणेश जी पर आपको चढ़ाना है, और श्रृंगी से करना चाहे तो आप श्रृंगी से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते रहे और भगवान शिव को फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कर, यानी शुद्ध पानी से स्नान कराएं। उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में आप पूरी विधि विधान से जो है भगवान शिव की पूजा करें, पूरी मनोकामना बोल करके, मनोकामना अपनी बोल करके, और जो भी आप सामान लाएं, फल, फूल माला, पान के पत्ते, नारियल, सारी चीज़ें जो भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वहीं खड़े होकर के आप भगवान शिव से आराधना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में शिव जी की आरती करें और सफ़ेद मिठाई से भगवान को भोग लगाएं। अब आप जो भांग लेके आए, अब ध्यान दें, जो भांग लेके आए आपने, भांग बनाई है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या तत्पुरुषाविद में माँ देवा धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदयात, इस मंत्र को बोलते हुए भगवान पर भांग अर्पण करें। और भांग जब भगवान पर डालें तो नीचे जो प्रसाद आप शिवलिंग से नीचे करें तो उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आप जरूर ले लें। और उसके बाद में जब सारा पूजा हो जाए तो एक कलावा लेकर के, और भगवान शिव की जहाँ मूर्ति हो, शिवलिंग पर नहीं, जहाँ भगवान शिव की मूर्ति हो, उस हाथ में जो हाथ आशीर्वाद देता हुआ होता है, उस हाथ में आप अपनी मनोकामना बोल करके मोली बांध दें। मोली बांधने के बाद में 5 फल भगवान को अर्पण करें, 5 फल भगवान को अर्पण करें और भगवान से क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत पूजितम मयम परपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, हम मंत्र, पूजा, विधि कुछ भी नहीं जानते, हम मंत्रों से ही ने, पूजा से ही ने, आप हमारी पूजा को जो स्वीकार करें। उसके बाद में आप वह फल अपनी झोली में डलवा लें और धागा आप वहीं बंधा रहने दें, और घर पर आकर के इसी प्रसाद से आपको जो है भोग लगाना है, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच जो आपने भांग का प्रसाद चढ़ाया उसमें से भी थोड़ा सा प्रसाद जरूर ग्रहण करें, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। साधारण सा उपाय है, बड़ी शिवरात्रि है, और इस शिवरात्रि को जो भी मनोकामना बोल करके आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें, आप भगवान शिव को आग के पुष्प अर्पण करें, भगवान शिव को आप गन्ने का रस अर्पण करें, भगवान शिव को जो भी आपकी इच्छा है सब अर्पण करें, भगवान शिव आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे।
और एक चीज का ध्यान रखें कि भगवान शिव को भस्मी जो अर्पण करें उसमें से थोड़ी सी भस्मी ले आए, उससे आप टीका करें, घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, संभव हो सके तो त्रिशूल भी आप छोटा सा त्रिशूल वहां से मांग करके ला सकते हैं, वह आप अपने मंदिर में रखें, सब व्याधियों का निवारण हो जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही अच्छा उपाय। ओम नमः शिवाय।